नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रियांशु और आप देख रहे हैं आरएस टेक। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा अर्बन लेजेंड्स। इस सीरीज में हम अलग अलग देशों के बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला एपिसोड होगा जापान के अर्बन लेजेंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के इस अर्बन लेजेंड का नाम है जी हाँ दोस्तों, इस अर्बन लेजेंड का नाम है कुचिसाके ओना। ये कहानी 1200 से 1300 साल पहले की है, जब कुचिसाके ओना एक आम औरत हुआ करती थी। वो उसका पति एक समुराई था। वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे थे। कुचिसाके ओना को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। एक समय उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा और जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। यह देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने कुचिसाके ओना के चेहरे पर अपनी तलवार से एक घाव बना दिया। ये घाव बनाकर उसका पति बोला, अब तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखती हो, और वह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब कुचिसाके उठी तो उसने अपने चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी और क्रीपी स्माइल बन चुकी थी और यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने अपने बगल में पड़ी हुई कैंची से अपनी जान दे दी। लोगों को लगा कि यह खूबसूरत बला अब मर चुकी है, लेकिन आज से करीबन 100 साल पहले जब जापान विकास की दौड़ में सबसे आगे हुआ था, जब जापान का कुछ हिस्सा एक ऐसे डर में जी रहा था कि वह औरत वापस आ चुकी है जिसका नाम है कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना ने एक दहशत भरा खेल शुरू कर दिया था और वह उन बच्चों से सवाल पूछा करती थी। सवाल पूछते वक्त उसके चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क हुआ करता था। सवाल पूछा करती थी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। सुनने पर यह सवाल बहुत ही आम होगा, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही सवाल का जवाब आपकी ज़िंदगी तय करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। अगर बच्चा उस सवाल का जवाब ना में देता है तो कुचिसाके उसे अपनी कैंची से मार देती है, और अगर बच्चा सवाल का जवाब हाँ में देता है तो कुचिसाके अपना सर्जिकल मास्क हटा देती थी और अपना भयंकर चेहरा उसे दिखा देती थी। उसके बाद वह सवाल दोबारा से रिपीट करती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर दिखती हूँ। अगर बच्चा इस सवाल का जवाब फिर ना में देता था तो कुचिसाके अपनी कैंची से उसे मार देती थी, और अगर सवाल का जवाब हाँ में होता था तो कुचिसाके बच्चे के चेहरे पर भी अपनी कैंची से वैसा ही घाव बना देती थी जैसा उसके चेहरे पर हुआ करता था। यह घाव बच्चे को मार देता था। उस समय यह बात इतनी फैल चुकी थी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया था और जापान सरकार ने सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी कि बच्चे स्कूल आएं और आराम से घर जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना का ये दहशत भरा खेल ख़त्म नहीं हुआ। आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुचिसाके ओना वापस कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट लाइक। थैंक यू।